हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। कॉलेज की परीक्षाओं पर आज शिक्षा मंत्रालय ने काफी बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्रों के एग्जाम डेट्स आउट हो चुके हैं और इसके साथ ही साथ फाइनल ईयर के छात्रों के एग्जाम पर काफी बड़ा परिवर्तन। इस बार आप लोगों के एग्जामों पर नया अपडेट आ चुका है। कोरोना की फोर्थ वेव के चलते शिक्षा मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी के होने वाली परीक्षाओं पर काफी बड़ा फॉर्मूला यहाँ पे तैयार कर लिया और जितने भी हमारे स्नातक पर स्नातक के छात्र हैं अंत तक बने रहे, हम सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आगे भी कॉलेज की परीक्षाओं से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुंचाया जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, बताते हैं आपको पूरी खबर कॉलेज के एग्जाम डेट्स पर। और सबसे बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी के एग्जामों पर, फोर्थ वेव के चलते कोरोना की नई लहर के चलते अब यहाँ पे काफी बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। यहाँ पे कोरोना की नई लहर ने चिंताएं बढ़ा दी। आप सभी को बताते हैं एग्जाम्स को ऑनलाइन माध्यम में कराने के लिए अब विश्वविद्यालय आगे आ रहा है और यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। जितने भी हमारे परीक्षार्थी हैं जो बीए, बीएससी, बीकॉम या एमएमएससी, एमकॉम कर रहे हैं, आप सभी की परीक्षाएं अब फिर से ऑनलाइन माध्यम में कराने का प्रस्ताव रखा गया। और आज की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे नया मोड़ आ चुका है एग्जामों पर। विश्वविद्यालय के जितने भी हमारे बीए के, बीएससी के या बीकॉम के एग्जाम है, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के या थर्ड ईयर के एग्जाम है, सभी एग्जामों पर कोरोना की फोर्थ वेव का यहाँ पे खतरा आ चुका है। एक बार फिर से एग्जाम्स जो है प्रमोट किए जा सकते हैं। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो आप सभी के एग्जाम डेट्स आ रहे हैं ये यहाँ पे मई के महीने में आ रहे हैं। मई और जून के महीने में जो आप सभी के बीए, बीएससी, बीकॉम के, एमएमएससी, एमकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्जाम ये स्टार्ट होंगे। 5 मई से एग्जाम स्टार्ट होंगे और यहाँ पे आप लोगों को बता दें एग्जाम्स स्टार्ट होते ही कोरोना की फोर्थ वेव भी स्टार्ट हो जाएगी। आज आईआईटी के वैज्ञानिकों के साथ साथ कई सारे न्यूज़पेपर में भी निकला है और यहाँ पे ऑफिशियली मीडिया में भी आ चुका है कि फोर्थ वेव भारत में आएगी और यहाँ पे एग्जाम्स भी उसी टाइम होंगे जब यहाँ पे फोर्थ वेव आएगी। तो ऐसे में हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी के परीक्षाएँ हैं इस पर काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है, काफ़ी बड़ा फैसला आ रहा है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पर। 2022 में होने वाली परीक्षाओं पर यूजीसी का काफ़ी बड़ा बयान आया है, ऑफलाइन एग्जाम स्थगित करें। विश्वविद्यालय जो है आप लोगों की ऑफलाइन एग्जाम स्थगित करके ऑनलाइन एग्जाम का कार्यक्रम जो है जारी करें, इस पर काफ़ी बड़ा फैसला आ रहा है। यहाँ पे फिर से छात्र जो है बीए, बीएससी, बीकॉम के, एमएमएससी, एमकॉम के सभी छात्र यही चाहते हैं कि एग्जामों को ऑनलाइन माध्यम में कराया जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑफलाइन कराया गया तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संकट होगा। और यहाँ पे सभी छात्रों को सहूलियत ये दी गई कि फर्स्ट डोज, सेकंड डोज जो है आप लोग ज़रूर लगवा लें, कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लगवा लें, क्योंकि कोरोना की जो वैक्सीन होती है ये जो आपकी थर्ड वेव भी आई थी इसमें काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई थी और आप लोगों को खतरा भी कम होता है। तो ऐसे में आप लोग वैक्सीन ज़रूर लगवा लें, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पे आपकी फोर्थ वेव में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा भी होगी। ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने को लेकर छात्र पहले भी कोर्ट में अपील दायर कर चुके हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने को लेकर छात्र काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि यहाँ पे छात्रों का 2022 के सत्र में सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2022 में छात्रों की क्लासेस रेगुलर नहीं लगी है, ना ही 2022 में छात्रों की अच्छे से पढ़ाई हो पाई है। छात्रों का कहना है 2022 में छात्रों को मिड टर्म परीक्षाएँ जो हुई थी जो इसी गोल के इसी आधार पर कराई गई थी कि अगर कोरोना आया तो वहाँ पर हम लोग छात्रों को प्रमोट कर सकेंगे मिड टर्म परीक्षाओं के आधार पर, इस बार छात्रों को प्रमोट किया जाना चाहिए। और काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है अकॉर्डिंग टू मीडिया रिसोर्स, इस बार भी छात्रों की परीक्षाओं पर कोरोना की फोर्थ वेव का खतरा आ चुका है। कोरोना की फोर्थ वेव परीक्षाओं के समय ही